ए शैतानी ताकत, तुझे निकलना ही होगा यहाँ से। जब मुंह उसका पलट के देखते हैं शीला का, तो शीला का पूरा मुंह कांच से भरा हुआ था। उसने कांच चबा रखे थे, उसके मुंह से खून निकल रहा। हेलो दोस्तों, फिर से स्टोरी जंक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए एक नई घटना, सत्य घटना पे आधारित लेके आए हुए हैं। यह कहानी सुमित के दोस्त की है। सुमित के दोस्त का नाम था रजत। सुमित से मेरी मुलाकात एक ट्रेन में सफर के दौरान होती है। इस सफर के दौरान सुमित से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और हम लोग कई सारी घटनाओं पे बात कर रहे होते हैं। उसी दौरान सुमित मुझे अपने दोस्त रजत के बारे में एक कहानी बताता है, जो एक भूतिया कहानी थी। यह घटना रजत के साथ में हुई रहती है। तो ये घटना का डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, घटना का विवरण मैं बता रहा हूँ, या रजत के परमिशन की बात ही बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये कहानी मैं सुमित के शब्दों में ही आपको सुनाता हूँ। मेरा नाम सुमित है और मैं राजस्थान के मेहंदीपुर जिले में रहता हूँ। यह घटना तब की है जब मेरा दोस्त मुंबई से ट्रांसफर होकर मेहंदीपुर आया हुआ था। उसने 1 मई 2021 को मेहंदीपुर में नौकरी ज्वाइन की। उसकी बीवी शीला मेहंदीपुर में ही अपने परिवार के साथ रहती थी, अपने सास ससुर के साथ में रहती थी। रजत के यहाँ आने के बाद में शीला बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि शादी के बाद इन दोनों को टाइम बिल्कुल नहीं मिला था एक दूसरे को समझने का, घूमने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। तो जब अब ट्रांसफर मेहंदीपुर में हो गया था रजत का, तो इन्हें पूरा टाइम मिलने वाला था। रजत छुट्टी के दिन अपनी बीवी को कहीं ना कहीं घुमाने जरूर ले जाता था, कभी दूर शहर के बाहर, कभी किसी गार्डन में, कभी किसी पार्क में। एक दिन जिस दिन छुट्टी थी रजत की अपने ऑफिस में, तो दोनों सुबह ही निकल जाते हैं किसी दूर जगह पे घूमने के लिए, और दिन भर घूमने के बाद में शाम में वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी किसी कारण से स्टार्ट नहीं होती है, और दोनों वहां पर रुकने का फैसला लेते हैं। और उसके बाद में उनका प्लान होता है कि ये ड्राइवर को या किसी मैकेनिक को फ़ोन करेंगे, या तो गाड़ी टो कराएंगे या तो मैकेनिक से रिपेयर कराएंगे। इसी दौरान यहाँ पर एक पेड़ होता है, उसके नीचे शीला बैठ जाती है और लगभग आधे घंटे तक वहाँ बैठी रहती है। लेकिन उसे महसूस होता है कि उसके कुछ सर में दर्द हो रहा है, दर्द काफ़ी तेज होने लगता है। तो शीला बोलती है कि रजत, अब यहाँ से चलते हैं, चाहे हम ऑटो करते हैं या किसी और साधन चलते हैं, बट यहाँ से चलते हैं क्योंकि सर में मेरे दर्द हो रहा है। तभी रजत ने फिर से ट्राई किया गाड़ी स्टार्ट करने का, और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और दोनों घर आ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद रजत अपनी फर्स्ट एड बॉक्स के कुछ दवाएं शीला को देता है और उसे बोलता है कि तुम आराम करो, उसके बाद में उठना तो फिर देखते हैं, अगर आपकी तबीयत नहीं सही होगी तो फिर चलेंगे हम डॉक्टर के पास में। शीला दवा खाकर लेट जाती है और रजत उसको कमरे में सुलाकर अपने दूसरे काम करने लगता है। रात में करीब 9 बजे जब खाना खाने का टाइम होता है, तो रजत शीला के रूम में जाता है। शीला के रूम में जाने पे उसे धीरे से उठाता है और पूछता है, शीला अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? शीला उठती है, शीला की आंखें अजीब हुई रहती हैं, आंखों का रंग चेंज रहता है, आंखें लाल लाल हुई रहती हैं और उसके बाल बिखरे हुए होते हैं। रजत को थोड़ा से अजीब तो लगता है ये बातें, लेकिन फिर भी वह शीला से पूछता है कि शीला क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? इस पर वह रजत को बहुत बुरी तरह से घूरती हुई है और बहुत डरावनी आवाज में चिल्लाते हुए बोलती है, भाग जा यहाँ से, अभी भाग जा यहाँ से। और ये आवाज एक महिला की आवाज नहीं होती है, एक पुरुष की आवाज होती है। और ये आवाज सुनते ही रजत के होश उड़ जाते हैं और वो बुरी तरह से डर जाता है। जब शीला ऐसा बोल रही थी, उसके चेहरा, उसकी आंखें, उसकी शक्ल ऐसी हो गई थी जैसे वो खतरनाक
महिला का चेहरा हो, उसके ऊपर कोई सवारी हो, कोई भूत हो या कोई साया हो, इस तरह की उसकी आवाज लग रही थी क्योंकि वह सीधा था ही नहीं। उसकी आवाज आदमी की तरह लग रही थी और वह बार बार रजत को बोल रही थी कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन वो पत्नी को अपनी हालत में नहीं छोड़ सकता था। उसने पत्नी को पकड़ा, जाके बेड पर बैठाया और कस के दबा के रखा। तभी अचानक से शीला अपना दोनों हाथ उठाती है और झटके से रजत को बाहर फेंक देती है और ये झटका इतना तेज होता है कि रजत सीधे कमरे से बाहर जाके गिरता है। एक साधारण मनुष्य में या किसी इंसान में इतना ताकत नहीं हो सकती है कि वह एक आदमी को जो 60-70 किलो का हो उसको उठाकर फेंक दे और वो 5 से 10 फीट दूर जाके गिरे। फेंकने के साथ साथ शीला के चेहरे पे गुस्सा कायम था, सिर्फ उसकी एक ही आवाज निकल रही थी, भाग जा यहाँ से नहीं तो मारा जाएगा, निकल जाए यहाँ से, हट जाए यहाँ से, ऐसी ही आवाजें उसके मुंह से निकल रही थी। अब रजत गिरने के बाद में उसको चोट भी लगती है, दरवाजे की तरफ वो गिरा होता है और शीला बेड के किनारे जाके खड़ी हो जाती है। रजत डरते डरते वहां से उठता है, फिर से जाके शीला को पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसी हालत उसे अपनी पत्नी की देखी नहीं जा रही थी, उसे डर लग रहा था, दया भी आ रही थी अपनी पत्नी को। उसकी पत्नी अलग अलग हरकतें कर रही थी। इन सब चीजों को देखते हुए रजत को एक बात का एहसास होता है कि इसके अंदर कोई ना कोई शक्ति प्रवेश कर चुकी है। वह शीला को फिर से शांत करा रहा था, बेड पे बैठाया, अचानक उसने बेड पूरा उठा के पलट दिया। एक बेड अमूमन 100-150 किलो का होता है, उसको पलट दिया और इस बेड के नीचे रजत का पैर भी आ गया, उसका पैर से खून निकल गया। शीला ने दीवार के सामने जो शीशा लगा हुआ था उस पे एक घूंसा मारा और शीशा पूरा टूट कर नीचे बिखर गया। लेकिन शीला को एक भी पैसे की फिक्र नहीं हो रही थी, वह क्या कर रही है। उस टूटे हुए कांच के वह चल रही थी, उसके पैरों से खून बह रहा था, पूरे कमरे में शीशा फैला हुआ था और वह इधर उधर चल रही थी, खून उसके पैरों से बह जा रहा था और खतरनाक आवाज में सिर्फ चिल्लाई जा रही थी, हट जाओ सब लोग यहाँ से, हट जाओ नहीं सब मारे जाओगे। और यह आवाज आदमी की थी, फिर से मैं वही बात बता रहा हूँ, यह आवाज आदमी की थी। उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के अन्य लोग भी वहां पर पहुंच गए। दरवाजा अंदर से बंद था, उन्होंने खटखटाया। रजत ने किसी तरह से धीरे धीरे जाके दरवाजा खोला शीला से बचते बचाते, और जैसे ही रजत ने दरवाजा खोला तो रजत के घर वालों के होश उड़ गए। क्या कमरा इतनी बुरी स्थिति में हो गया था, बेड उल्टा पड़ा हुआ था, पूरे कमरे में कांच फैला हुआ था, खून जगह जगह बह रहे थे, शीला के पैरों से खून बह रहे थे और वो चिल्लाए जा रही थी, सबको मार दूंगा मैं, सबको मार दूंगा, तुम सब यहाँ से चले जाओ वरना मैं सबको मार दूंगा। शीला के रूम के अंदर जो भी कुछ सामान था उसने सब कुछ उठाकर इधर उधर फेंक दिया। शीला ने रूम के अंदर जो भी कुछ सामान पड़ा हुआ था सब उठाकर इधर उधर फेंक दिया था। सब सामान को वो लोगों के ऊपर फेंक रही थी, उसे मार रही थी। इसी बीच रजत के पापा और उसके चाचा दोनों लोग मिलकर शीला को जाके पकड़ लेते हैं। शीला को एक कुर्सी में बांध देते हैं, लकड़ी की कुर्सी होती है, उसमें चारों तरफ रस्सी से बांध देते हैं और बांध के वो बाहर आ रहे होते हैं। बाहर आते ही समय अचानक से कुछ पीछे से आवाज आती है, ये पलटकर देखते हैं तो शीला कुर्सी सहित दीवार को पार करते हुए छत से जाके रुकी हुई थी, मतलब कि शीला कुर्सी सहित उड़ गई और छत पे जाके रुक गई। लगभग 2 से 3 मिनट तक इन लोग वैसे ही उसको देखते रहे और वो आसमान में बिना किसी के सहारे छत पे टिकी रही। इस घटना को देखकर ये बुरी तरह से डर गए। अचानक तभी से शीला कुर्सी सहित नीचे गिरती है और उसे बहुत तेजी से चोट आती है, शीला के माथे से खून बहने लगता है। वहाँ
ये सब घटना को देखते हुए, आवाज सुनते हुए गांव के मोहल्ले के आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वैसे मेहंदीपुर आप जानते हैं कि भगवान हनुमान जी का गढ़ है, वहाँ पर बहुत सारे सिद्ध पुरुष महात्मा लोग हैं जो ऐसी समस्याओं को रोज सामना करते रहते हैं। तो गांव वाले किसी एक बाबा का नाम बताते हैं कि इस घर के दूर, इस मोहल्ले से दूर एक शहर के पास, वहाँ पर एक बाबा हैं, उनको बुला के ले आओ, वह इस समस्या का समाधान कर देंगे। इस बात को सुन के रजत तुरंत अपने दोस्त को बुलाता है और कहता है तुरंत चलो उस बाबा के पास में, क्योंकि मेरी हालत इसे देखने की नहीं है, अब इस हालत में मैं अपनी बीवी को नहीं देख सकता हूँ। रजत गाड़ी पे बैठता है और पूरी फुल स्पीड से गांव के सड़क, शहर के सड़क, ऊबर खाबड़ सड़क को पार करते हुए उस जगह पर पहुंचता है जहां गांव वालों ने बाबा का जगह बताई थी, जहां बाबा रहते हैं। वहां पहुंच के रजत सारी बात, जो घटना पूरी हुई थी, वो बताता है कि क्या क्या हुआ था, कहां पे रुके थे, कहां पहुंचे, घर में क्या हुआ, ये सारी घटना उन बाबा को बताता है। वो बाबा बहुत शांत होकर सारी बात सुनते हैं। फिर रजत से बोलते हैं कि सामने एक डिब्बा पड़ा हुआ है, इसमें पानी भर के ले आओ। रजत इस बात से हैरान होता है, लेकिन बाबा कहते हैं तो तुरंत उस काम को करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि इस समय उसकी हालत थी कि उसको कोई भी कुछ भी काम कहे उसे करना था। वो पानी लेके आता है, बाबा उसमें 5 से 10 मिनट तक कुछ मंत्र पूछते हैं, अपना मन में मंत्र पढ़ते हैं और बोलते हैं इस पानी को ले जाओ और पूरे कमरे में छिड़क देना जहाँ पर इस समय शीला है, और किसी तरह आज की रात काट लो, कल शनिवार है, शनिवार के दिन मैं इसकी पूजा करूँगा, क्योंकि शनिवार का दिन भगवान हनुमान का दिन है, शनिदेव महाराज जी का दिन है, वो सब कल्याण करेंगे, उसकी भूत बाधाएं सारी दूर हो जाएंगी। लेकिन रजत बहुत घबराया हुआ होता है, वो कहता है बाबा आज ही चलिए, आज ही किसी तरह से उसे सही करिए। लेकिन बाबा अपनी असमर्थता जताते हैं कि आज वो नहीं चल सकते। इस पर जिन गांव वालों ने, जिन घर से लोगों ने रजत को यहाँ भेजा था, उनको वो फ़ोन करता है और बाबा से बोलता है कि बाबा आज चलें। बाबा उनसे बात करते हैं और फिर वो तैयार हो जाते हैं। रजत उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाता है और उन्हें घर लेके आता है। घर पहुंच के बाबा अपना झूले में जो सामान रखा हुआ था उस सामान को निकालते हैं। सामान में 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे लोटा होता है, एक माला होती है, ये सारे सामान निकालते हैं और बोलते हैं कि अभी सब लोग बाहर खड़े हो जाओ, दरवाज़ा बंद कर दो, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। सब लोग हाथ जोड़ के बाहर खड़े हो जाते हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि जल्दी सीला सही हो जाए। बाबा अंदर जाते हैं लोटा और जल लेके, और वह दीवालों पे, जमीन पे, सीला के ऊपर अगल बगल जल छिड़कना शुरू करते हैं। जैसे ही वह जल छिड़कना शुरू करते हैं, एक बहुत तेज़ी से धुआं उठता है, ऐसा धुआं कि वैसे वहाँ पर आग लगी हो और बुझने के बाद सारा धुआं उठ रहा हो। ऐसा चमत्कार सारे लोग आज पहली बार देख रहे थे और रजत भी इस चीज़ को देख के बहुत ही व्याकुल हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पानी ज़मीन पे डालने से धुआं निकल रहा हो। चारों तरफ धुआं धुआं हो गया था, पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। इस बात को करने के बाद में बाबा बाहर आते हैं कमरे में और बोलते हैं जिस भी आत्मा या शक्ति ने इस लड़की के अंदर प्रवेश कर रखा है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत ही खतरनाक है। यह सुनकर रजत और उसके परिवार पूरा डर जाता है। रजत बाबा के पैरों में पड़ जाता है और कहता है बाबा मेरी पत्नी को किसी भी तरह से बचा लीजिए। बाबा ने रजत से बोला कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हारी पत्नी को,
बस तुम लोग अभी दूर रहो। इतना कह के बाबा फिर से अपना आगे का कार्य शुरू करते हैं और अंदर जाके बोलते हैं शीला से कि शीला क्या हुआ तुम्हें। जब उसे जवाब नहीं मिलता है तो वो बहुत चिल्ला के बोलते हैं, ए शैतानी ताकत, तुझे निकलना ही होगा यहाँ से। जब मुंह उसका पलट के देखते हैं शीला का, तो शीला का पूरा मुंह कांच से भरा हुआ था, उसने कांच चबा रखे थे, उसका मुंह से खून निकल रहा था और पूरा शरीर खून खून से लथपथ था। अब बाबा उसके मुंह में ही जल छिड़कना शुरू करते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे मंत्र पढ़ते शीला और गुस्से में होती जाती है, उसके चेहरा गुस्से से भरता जा रहा था और वह घूरे जा रही थी बाबा को, घूरे जा रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी, बस सहमी हुई सी थी, लेकिन ये लग रहा था कि वो सहमी हुई नहीं है, उसका गुस्सा भर रहा है। वैसे ये गुस्सा उसका नहीं था, ये गुस्सा था जो उसके अंदर आत्मा थी। तभी अचानक से शीला बाबा का गला पकड़ के चिल्लाती हुई बोलती है, तू हट जा यहाँ से, नहीं तो तू भी मरेगा, तू हट जा यहाँ से। और फिर जो लाइन वो बोलती है उसको सुनकर सारे लोग भौचक्के हो जाते हैं। उसके मुंह से आदमी की आवाज़ आती है, मैं तो इसे लेकर जाऊंगा, या मेरी बीवी है और ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती है, कहीं नहीं जा सकती है। तो दोस्तों ये कहानी का पहला भाग था। इसके बाद वह बुरी शक्ति, वह आत्मा जो शीला के शरीर में प्रवेश की थी, वो कैसे निकलती है, बाबा उसको कैसे छुटकारा दिलाते हैं और वह आत्मा थी किसकी, इसके बारे में हम आपको अगली कहानी में बताएंगे। तब तक इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल वाले बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जैसे इसका दूसरी कहानी जैसे ही आती है आप सबको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।